महबूबा मुफ्ती का वायरल हुआ एक वीडियो। शिवलिंग पर जल चढ़ाते नजर आई महबूबा मुफ्ती। हिंदूवादी और हिंदुत्व से नफरत करने वाली महबूबा मुफ्ती आखिर किस वजह से पहुंची महादेव के धाम? क्या महबूबा मुफ्ती भी अब सनातन के ताकत को समझ चुकी है? दरअसल कट्टरपंथी विचारधारा वाली महिला नेता महबूबा मुफ्ती, जो कभी हिंदुत्व और हिंदूवादी विचारधाराओं को महत्व नहीं देती थी, आज वो महादेव के धाम पहुंची है। अगर आप महबूबा मुफ्ती के जल चढ़ाने वाले दृश्य को गौर से देखेंगे तो ये आपको एक राजनीतिक महत्व या स्क्रिप्टेड जैसा लगेगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती सिर्फ महादेव पर जल चढ़ा रही है। ना तो वो वहाँ हाथ जोड़ रही, ना ही वो अन्य कोई रिवाज मंदिर के अंदर कर रही। महबूबा मुफ्ती का ये दृश्य देखकर लग रहा है कि चाबी वाली गुड़िया का जितना चाबी घुमाया गया, गुड़िया उतना ही नाच रही है। बहरहाल महबूबा मुफ्ती का महादेव के धाम पहुंचना हमें मोदी के वो पुराने नारे याद दिलाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये इसलिए क्योंकि कश्मीर से जब से धारा 370 हटाया गया, तब से महबूबा मुफ्ती आए दिनों कट्टरपंथी विचारधाराओं को लेकर मीडिया में छाई रहती है। और सिर्फ मज़ारों और मस्जिदों को महत्व देने वाली महबूबा मुफ्ती आज देर से ही भले, मगर महादेव के धाम पहुंचकर ये साबित कर दी कि हिंदुत्व से बड़ा कुछ नहीं। और कभी महादेव के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले ये समुदाय और ये महबूबा मुफ्ती आज उसी महादेव को जल चढ़ा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और महबूबा मुफ्ती का क्या ये महादेव पर जल चढ़ाना स्क्रिप्टेड है या फिर राजनीतिक महत्व के लिए इस्तेमाल किया गया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए TNN वर्ल्ड के साथ।